करंट अफेयर की 25 सितंबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलते देखें पहले पॉइंट की तरफ। आपसे पूछा जाएगा पीएम मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में शामिल हुए। पूछा जाएगा हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में कौन शामिल हुए हैं, तो आप आंसर बताएंगे पीएम मोदी इसमें शामिल हुए थे। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2023 को 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च करेंगे। पूछा जाएगा हाल में ही कितनी एक्सप्रेस भारत वंदे जो ट्रेन लॉन्च होगी, तो आप बताएंगे 9 होंगी। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, चुनावी राज्य मतलब राजस्थान के लिए एक एक ट्रेन शामिल होगी। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने के लिए। देखिए अभी हाल में ही क्या कर रहे हैं, वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, और ये जो क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं भगवान शिव के जैसी मतलब उसका बनाएंगे, उनकी जैसे डमरू का हुआ तो उनके डमरू के कार्ड पर लाइट रखी जाएंगी, वो सॉरी उनके त्रिशूल के आधार पर लाइट रखी जाएंगी, डमरू के आधार पर वो करेंगे, मतलब उसका बेस जो पत्ते हैं उसके हिसाब से बना रहे हैं, सीढ़ियों को वाराणसी के अनुसार से कर रहे हैं, तो भगवान शिव को समर्पित करके एक स्टेडियम बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। ये वाराणसी के कहाँ पे अगर आपसे पूछने लगे तो बताएंगे गाजरी राजा तालाब में स्थित है। कहाँ पे? गाजरी के राजा तालाब में स्थित है, बनाया जाएगा। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। विश्व नदी दिवस आपसे पूछने लगे कब बनाया जाता, तो आप बताएंगे आंसर होगा 24 सितंबर। कब बनाया जाता? सी आंसर हो जाएगा, 24 सितंबर को बनाया जाता। नेक्स्ट, हाल में ही किसने नॉर्वे की राष्ट्रीय भुगतान व इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ हाथ मिलाया है, तो आप बताएंगे टीसीएस। किसने मिलाया? ये टीसीएस ने मिलाया। टीसीएस की फुल फॉर्म मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आपसे टीसीएस की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप टीसीएस की फुल फॉर्म बताएंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम प्रोवाइड होते हैं कंप्यूटर के, जो आप एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन के, तो ये यही कराती है टीसीएस कंपनी, तो ज़्यादातर मोस्टली तो उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल में ही किस देश ने सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, तो आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा इटली। किसने की है? सॉरी चीन। किसने की है? चीन। चीन के आपसे राष्ट्रपति पूछने लगे तो चीन के राष्ट्रपति सभी को याद हैं, इनका नाम है सी जिनपिंग। क्या नाम है इनका? सी जिनपिंग ने। तो इन्होंने क्या करा, हाल में सीरिया देश के साथ में साझेदारी की घोषणा की है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, तो आप बताएंगे आंसर होगा असम। कहाँ? असम का जो विश्वनाथ घाट है इसे पूरे भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा हाल में ही किसने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस कनाडा ने किस देश में अपने राजनयिक मिशनों को राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है, तो आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा भारत। किसने की है? भारत ने ही की है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा हाल में ही दुनिया का सबसे पुराना देवदार पेड़ मिलने का दावा कहाँ पर किया जा रहा है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में। कहाँ पे किया जा रहा है? उड़ीसा में। लगभग ये 54 फीट के आसपास बता रहे हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा व पुराना देवदार पेड़ मिला है, इसे विरासत स्थल में घोषित कर लिया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसको देख सके। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया। हाल में ही अमेरिका ने किस देश के लिए एक नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है, तो आप बताएंगे बी आंसर हो जाएगा यूक्रेन। किसके लिए की है? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो बताएंगे कीव। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन लोगों का अनावरण किया है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अगर आपसे राज्यपाल पूछने लगे तो सीवी आनंद बोस ने इसके लोगों का क्या किया, अनावरण मतलब लॉन्च किया है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही अमेरिका और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित होगा, तो आप बताएंगे भारत के बीच में होगा, अमेरिका और भारत के बीच में होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया,
तो आप बताएंगे ये पलक शर्मा को किया गया, किसको किया गया, पलक शर्मा को, और इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र और 1,00,000 रुपये का नगद इनाम और एक पदक दिया जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, तो आप आंसर बताएंगे त्रिपुरा, कौन सा बन जाएगा, त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। देखें इससे आगे हम डिस्कस कर लें, 26 सितंबर की भी इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो चलते देखें इसमें क्या कहा गया है 26 सितंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मार्क फाइव का लॉन्चिंग किया, पूछा जाएगा हाल में मार्क फाइव का लॉन्च किसने किया, तो आप बताएंगे इसराइल ने किया। किसने किया इसे, इसराइल ने। इसे ब्राक के नाम से भी जाना जाता, किसके नाम से, ब्राक के नाम से भी जाना जाता। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, जेपी मॉर्गन उभरते बाजार बेंचमार्क में भारतीय सरकारी बॉन्ड जोड़ देगा, पूछेगा हाल में भारतीय सरकारी बैंक कौन जोड़ेगा, तो आप बताएंगे जेपी मॉर्गन उभरते बाजार बेंचमार्क में भारत का सरकारी बॉन्ड जोड़ देगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने SMSIM के लिए NEO फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, पूछा जाएगा हाल में NEO फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो आप बताएंगे एक्सिस बैंक ने किया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने FY24 भारत के लिए 6.5 वास्तविक GDP वृद्धि की भविष्यवाणी की है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में प्रतिवर्ष अनुत्तय दिवस कब मनाया जाता है, अनुत्तय दिवस आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे 25 सितंबर को ये बनाया जाता है, ये जो पंडित दीनदयाल है उनकी याद में ये बनाया जाता। चलते देखें नेक्स्ट इसके बाद, हाल में ही किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है, तो मैंने अभी बताया था आपसे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसराइल हो जाएगा। इसराइल की याद की बात करें राजधानी क्या हो जाएगी, जेरूसलम। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है, तो आप बताएंगे सुरेश गोपी, किसको किया गया, सुरेश गोपी को किया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हाल में ही कौन सा देश ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है, तो आप बताएंगे इंडिया, कौन बन गया, इंडिया बन गया, जो भी हाल में ही मैदान पर ICC पुरुष T20 2023 की प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद वे MRF टायर पुरुष वनडे टीम में भी सिर्फ में पहुंच गए हैं, तो पूछेगा हाल में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की तरफ से तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे कौन बना है, तो आप बताएंगे इंडिया। नंबर 1 मतलब तीनों का मतलब T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है, तो आप बताएंगे लखनऊ, कौन कर रहा है, लखनऊ कर रहा है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ है, तो आप बताएंगे इटली, किसका हुआ, इटली का हुआ, इटली में रहते थे। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो आप बताएंगे गोवा में, कहाँ पे हुआ है, तो आंसर होगा गोवा में। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही बक्की वेंकटिया को किस राज्य के SC ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो आप बताएंगे आंसर होगा तेलंगाना, कहाँ के चुने गए हैं, तेलंगाना, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, K. चंद्रशेखर राव, तो उन्होंने इसको नियुक्त किया, उन्होंने इसको अपॉइंटेड किया है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, हाल में ही विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है, तो आप आंसर बताएंगे ये किसको मिला, अमित पंघाल को, किसको मिला, अमित पंघाल को, ये पहलवान है तो इन्हें अमित पंघाल को ये मिला। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही किस देश ने जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है, तो आप बताएंगे ग्रीस, किसको, तो आप आंसर बताएंगे ग्रीस, ग्रीस की राजधानी की बात करें एथेंस, सिकंदर महान यहीं के रहने वाले थे। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी का करेगा, तो आप आंसर बताएंगे अडानी। हाल में कौन सा समूह एशिया सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी करेगा, तो आप आंसर बताएंगे अडानी। जो भारतीय अरबपति हैं गौतम अडानी हैं, ये अपनी संपत्ति इकाइयों में से एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी के पुनर्विकास के लिए मुंबई के स्लम पुनर्वास के साथ, मतलब ये कैसे करना चाह रहा है, जो ये मलिन बस्ती होती है उसके लिए पुनर्निवास, मतलब एक अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
चलते हैं, देखें इसके बाद में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपसे। हाल में ही पीएम किसान एआई चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है, तो आप आंसर बताएंगे कैलाश चौधरी। किसने किया है, तो जो हमारे कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं, राज्य मंत्री, तो उन्होंने ये कराया, जिसका नाम है कैलाश चौधरी ने ये किया। तो हाल में ही पीएम किसान एआई चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया, तो आप आंसर बताएंगे कैलाश चौधरी ने किया।